नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं बता दूं आपको कि आज होने क्या वाला है। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसी को डिटेल में समझेंगे, यानी एमसीक्यू तो सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उसके बारे में जो रिलेवेंट बातें हों उसको भी जानेंगे। तो कोई अगर हो ऑनलाइन तो जल्दी से बता दे कि मेरी आवाज़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है, तो हम लोग जल्दी से बिना देर किए शुरुआत कर देंगे। शनि गुड इवनिंग, टाइम ऑफ विजडम गुड इवनिंग, ज्योति राय गुड इवनिंग, तो बिना देर किए अखिलेश शुरुआत कर देते हैं, ठीक है? फिर लोग आते रहेंगे और हम लोग फिर उसके बाद डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का पहला, मैंने जैसा कि बताया कि आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेवेंट चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में कुछ और चीज़ों की चर्चा हो। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रतिबंधित करता है क्या मानव के दुर्व्यापार को, कि भीख मांगने को, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को किसी कारखाने खान आदि में नियोजन से, कि उपर्युक्त सभी से। अब आप बताइए तुरंत, कमेंट में ही आपको जवाब देना है। नया गुड इवनिंग, कमेंट में ही आपको जवाब देना है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही लग रहा है आपको। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है आपको वो किससे रिलेटेड है, इससे कि सभी से। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मानव के दुर्व्यापार से भी रिलेटेड है और क्योंकि ये सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 23 में होगा और ये 24 में भी, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला प्रश्न आप लोगों के सामने जरूर आया होगा, जो लोग जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये प्रश्न उनके सामने जरूर आया होगा कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा को एक विषय के रूप में लागू करना धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना। समझ रहे हैं, संस्कृत भाषा को विषय के रूप में मान्यता देना धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है, ये कौन से केस में ये बात कही गई थी? आप देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा ऑप्शन सबको सबसे सही लग रहा है। संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एवर्सन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एम इस्माइल फारूकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रमेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बताइए, एक बार बेटा टाइम ऑफ विजडम, मैं भूल गया आपका क्या नाम है, क्योंकि पहले से हमको लगता है कि आप हैं और नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसका सही ऑप्शन आप जो बता रहे हैं, विजडम का कहना है कि सी है, पल्लवी कह रही हैं बी है और सूर्य नंदा भी आ गई हैं। गुड इवनिंग बेटा। हाँ रंजना, देखो तो कह रहे, तो ये कौन सा केस है, नहीं ध्यान आ रहा आप लोगों को? धर्म निरपेक्षता से आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस है। जी नहीं, ये संतोष कुमार बनाम सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केस है। इसमें कहा गया था कि संस्कृत जो एक लैंग्वेज नहीं है जो धर्म से रिलेटेड हो, संस्कृत हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, संस्कृत जो है, क्योंकि जितने भी चाहे वेद पुराण हो सब संस्कृत में लिखे गए, तो इसलिए वो
संस्कृतिक भाषा के विषय के रूप में करना शामिल धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है, ये संतोष कुमार के केस में कहा गया था। इस्माइल फारूकी की जो केस है वो धर्म से रिलेटेड है, लेकिन उसमें वही कि क्या बकरीद के अवसर पर गाय काटना मुस्लिम धर्म का अनिवार्य अंग है, ये बात कही गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। भारत में लोकप्रिय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद की अवधारणा की शुरुआत कहां से हुई थी? गलत हो गया ना? हाँ फिरदौस, गुड इवनिंग। लोकहितवाद की अवधारणा की शुरुआत कहां हुई, पीआईएल की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है कि अमेरिका से हुई है कि ऑस्ट्रेलिया से हुई है कि कनाडा से हुई है? लोकहितवाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीआईएल जो आया होगा वो अमेरिका से आया होगा। जस्टिस पीएन भगवती की केस अरे की देन है भारत में, और एक बार इसको करेक्ट जरूर करिए गया, ठीक है? अभी अगर सर्च करना हो तो सर्च कर लीजिए मोबाइल में और तुरंत हमको रिस्पॉन्ड करिए कि क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है। गुड इवनिंग सुलेखा, एक बार आप चेक करिए इसको कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। पल्लवी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है? कौन सी केस में कहा गया है ये बात? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, एके गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास, और गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने पढ़ा है आजकल परसों वो तीन चार दिनों में जरूर जवाब दें भाई। गजलन खान, गुड इवनिंग। कुछ लोग संविधान पढ़ भी रहे होंगे। ना याद आ रहा? बिल्कुल, ये है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। कहा था ना मैंने पिछला वाला क्वेश्चन, पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन जो है ना वो अमेरिका से आया हुआ है, तो मेनका गांधी के केस में आया था वो। दरअसल समस्या यहां से शुरू हुई थी, एक एक गोपालन से, एक एक गोपालन से समस्या शुरू हुई थी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब उस समय उल्टा लगाया गया था, कहा गया था कि जो भी लॉ की प्रोसीजर होगी वही सही होगी। लेकिन फिर उसके बाद मेनका गांधी के केस में 1978 में इस बात को बदल दिया गया, कहा कि नहीं भैया लॉ है तो भी कायदे से रहेंगे, वो भी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल ही होना चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगर गलत मत बताइए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों को। ये बताइए रीतिका, गुड इवनिंग रीतिका। देखिए मैं आपका पीछा कर रहा हूं, अब आप लोग क्लास नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई माध्यम तो अपनाना पड़ेगा ना। निम्नलिखित में से किस प्रकरण में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का सहगामी ठहराया गया था? कौन सी चीज को, शिक्षा के अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, कौन सी केस के अंतर्गत बताइए?
वेरी गुड रितिका, फिरदौस, गजला, ज्योति, अखिलेश, सूर्यनंदा, बस सूर्यनंदा बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज और, अब सूर्यनंदा ने याद दिला दिया, तो आप ऐसा करिए कि अगर लग रहा है कि ठीक ठाक है तो कोई जबरदस्ती नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी किया जाता है, कोई उसमें तरीका होता है ना शेयर करने का ऑप्शन, तो शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि और लोगों के लिए फायदेमंद हो जाए। तो ये कौन सी केस में कहा गया था, तो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना, मोहिनी जैन के ही केस में कहा गया था। देखो दो केसेस थी इसमें, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात थी, उन्नी कृष्ण और मोहिनी जैन की जो केस थी ना, तो इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कह दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसे 86 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003 में इसे फंडामेंटल राइट 21A के अंतर्गत बना दिया गया। उससे पहले हम लोग मोहिनी जैन और उन्नी कृष्णन से ही रेगुलेट होते थे। बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू भीम कुमार, सुलेखा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ये बताइए किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में आरक्षित बकाया रिक्तियों की पूर्ति का प्रावधान जोड़ा गया है? किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16 में आरक्षित बकाया रिक्तियों की पूर्ति, कैरी फॉरवर्ड रूल का प्रोविजन जोड़ा गया है 16 में, कौन से अमेंडमेंट से? कैरी फॉरवर्ड रूल, बताइए। 4:30 बजे से चल रहा है बेटा। बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं। आप लोगों, चलिए मैं बताता हूं आपको। नहीं बेटा प्लस नहीं है। हाँ ये हुई ना बात, अभी को सही आंसर आया है। ये है 85वां संविधान संशोधन। मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे है, क्योंकि 77वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 16A जोड़ा गया था जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता था, याद होगा आप लोगों को। फिर 81वां संविधान संशोधन जो था वो ये, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ ही सही। 81वां जो संविधान संशोधन था वो आया था आर्टिकल 16B, बहुत अच्छा बड़ी, हाँ 16B, तो 16B जो आया था यही था कैरी फॉरवर्ड रूल को बढ़ाने वाली बात। और फिर उसके बाद 85वां संविधान संशोधन जब आया 2001 में, तो फिर 16A में कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी शब्द जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल बी ही है, मैं गलत था, कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी शब्द जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे बता रहे थे उनका सही है, कॉन्सिक्वेंटल सीनियरिटी शब्द जोड़ी गई थी 85वें संविधान संशोधन। एक चीज और इसमें जानिएगा कि संविधान में 85वां संविधान संशोधन ही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, भूत लक्षी प्रवर्तन होता है। चले ये बताइए आप कि कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, समता का अधिकार कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, वाक्य और स्वतंत्र का अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें से केवल सिटीजन के लिए कौन सा है? बताइए केवल सिटीजन के लिए कौन सा है?
हमीता फिरदौस भीम का बता रहे यार तुम लोग। इसमें से हाँ अब सही आ रहा है आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा वाक्य स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्र, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल 19 में है, और आर्टिकल 19 का ही जो राइट है वो सिटीजन के लिए है केवल। ये तो 21 भी पर्सन शब्द को यूज किया गया है, यहाँ भी पर्सन ही हो, यहाँ भी पर्सन ही है, तो ये सबके लिए है, केवल नागरिकों के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर एक नई चीज आई है आप लोगों के लिए। ये बता दूं मैं कि एक जुडिशियरी के पीसीएसजे का जो सेक्शन है उसमें 7 days फ्री ट्रायल का ऑफर चल रहा है, इस समय 7 days फ्री ट्रायल का ऑफर चल रहा है, और ये 7 days फ्री ट्रायल आप प्लस के क्लासेस का कर सकते हैं, प्लस की जो क्लासेस हैं जिनके लिए सब्सक्रिप्शन का लिया जाना जरूरी है वो क्लासेस 7 days तक फ्री में की जा सकती है। उसके लिए करना क्या है, ये एक QR कोड है, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करना है। पहला स्टेप तो यही करना है, 4 step में है ये चीज कि उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद अपना जुडिशियरी PCSJ गोल चुनना है उसमें, और इसको चुनने के बाद आपको कोड डालने की जरूरत होगी, जहां पे कोड आप ये डालेंगे RAW10। तो ये जब कोड डालेंगे ना RAILAW10 RAILAW10, तब आप शुरुआत कर देंगे पढ़ाई करने का। तो ये 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में है, लेकिन बस यही है कि जो ऑलरेडी इसके लर्नर हैं ऐसे लोगों को ये सुविधा नहीं है, केवल न्यू लाइव लर्नर को ही ये सुविधा है। तो एक बार ट्राई करिएगा आप लोग कि 7 days फ्री ट्रायल जो मिल रहा है प्लस के क्लासेस यानी बैचेस जो चल रहे हैं उसके, उसको आपको स्कैन करना है, जुडिशियरी का PCSJ का सेक्शन चुनना है, और अपने कोड को एक्टिवेट करना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है RAILAW10, और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देना 7 दिन बिल्कुल फ्री में। फिर उसके बाद जैसा होगा, इच्छा होगी, सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। और बाकी आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, नए नए शुरू होते रहते हैं, जैसे 20 अक्टूबर से जस्ट एक बैच शुरू हुआ है, एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैच, इस बैच को ज्वाइन किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज देखिए चलती है, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो, चाहे केस लॉ बेस्ड टेस्ट सीरीज हो, चाहे जजमेंट राइटिंग से संबंधित टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर सारे स्टेट के लिए बैच, जो रेगुलर लिंकिंग बैच 4.0 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है, कम्प्रिहेंसिव जुडिशियरी इवनिंग बैच जो है 29 सितंबर से शुरू हुआ है, 15 महीनों की ड्यूरेशन है। एक और चीज़ है आपके लिए, अनअकैडमी लाइट का ऑप्शन। अनअकैडमी लाइट के ऑप्शन में अगर आप 3,500 रुपये में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, और इसमें फ्री में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है इसमें, उसके अलावा आप बाकी चीज़ों से परिचित हैं। क्लासेस जो होती हैं वो इंटरेक्टिव होगी, पोल हुंगर लर्नर्स के साथ रेज हैंड, हैंड रेज करने की सुविधा है, उसके अलावा नोटिफिकेशन क्लास से संबंधित मिल जाएगा, लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं कितनी भी बार, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मॉक इंटरव्यू भी आपको कराया जाएगा, लाइव मेंटरशिप मिलेगी यहाँ, और फीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। ये है फीस स्ट्रक्चर इस समय, ये फीस स्ट्रक्चर है 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 18 month, 24 month, कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार,
और कोई भी प्लान चुनेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा रहेगी। रायला 10 कोड यूज करने पर जो भी फी स्ट्रक्चर है उसमें 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये है, और उसके अलावा आइकॉनिक भी है, माने लाइव मेंटरशिप आपको मिलेगी और 6, 12, 24 महीनों का इसमें ऑप्शन है। रायला 10 इसमें भी कोड यूज करना है। तो ये रही कुछ इंफॉर्मेशन एंड अकेडमी के बारे में। फिर हम अपने बिंदु पर आते हैं जहां हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो ये नागरिकों को उपलब्ध वाला आर्टिकल 19 में, ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, संविधान का 93वां संविधान संशोधन संबंधित है, कौन सा संविधान संशोधन कर रहा है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? विकलांग व्यक्तियों से, राज्य के अधीन पदोन्नति में मामलों में, एक केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में, इस शिक्षा के अधिकार से, बताइए। बताइए बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 93वां संविधान संशोधन, ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लग रहा है बिल्कुल सही है। ये केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण से, यही है 93वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा आर्टिकल 15 में क्लाज नंबर 5 जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। हम लोगों ने चर्चा की भी होगी कभी कि आर्टिकल 15 में उसको हटा दिया, क्लाज नंबर 5 जोड़ा गया था, और इसी के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी रिजर्वेशन की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बताइए प्रश्न, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, अन्य पिछड़ों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को विधिमान्य घोषित किया गया? बताइए बताइए जल्दी से इसमें कौन सा सही होगा। सूर्य नंदा ए, फिरदौस मलिक बी, भीम ए, रीतिका ए, सुलेखा चौधरी ए, ये सही है आप लोगों का आंसर? नमस्ते सर, नमस्ते। ये अशोक कुमार ठाकुर की केस होनी चाहिए, सही बता रहा हूं मैं? एक बार बताइए क्या ये सही है? अशोक कुमार ठाकुर वाली केस, अशोक कुमार ठाकुर में कई सारे जो संशोधन हुए थे ना, अमेंडमेंट जो हुए थे 16 ए बी सी, ये सब चैलेंज किए गए थे।
कैसे संविधान पढ़ रहे हैं आप लोग। वो कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं है अशोक कुमार ठाकुर की केस, चलिए याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि नवी अनुसूची संरक्षण छतरी के अंतर्गत रखे गए अधिनियम पूर्णतः न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है। इसका मतलब ये कहने का है कि कौन सी केस है ऐसी जिसमें यह कहा गया था कि इस 9th शेड्यूल में अगर कोई सब्जेक्ट डाल दिया जाएगा तो भी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कौन से केस में कहा गया था? बताइए कौन सी केस में यह बात कही गई थी कि 9th शेड्यूल यानी नवी अनुसूची में कोई सब्जेक्ट डाल देने के बावजूद भी ये मत समझिएगा कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, चलिए कुछ बच्चे तो सही बता रहे हैं। ये है आई आर कोल्हो वर्सेस LR, अरे आई आर कोल्हो LR बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु की केस है। इस केस में ही ये बात कही गई थी कि जो संवैधानिक मतलब कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट जो लॉ जो एक्ट 24 अप्रैल 1973 से पहले नवी अनुसूची में डाल दिए गए उनका तो रिव्यू नहीं होगा, लेकिन उसके पश्चात जो एक्ट डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यही बात कही गई थी ना आईआर कोल्हो के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये आसान सा प्रश्न सही करके मूड फ्रेश कर लीजिए। संविधान में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ये मिला ना मजेदार, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? वेरी गुड, ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, हाँ ये यूएसए से लिया गया है और ये जुडिशियल रिव्यू जो है यूएसए से लिया गया है। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा केस सेवरेबिलिटी के नियम से सिद्धांत संबंधित है? सेवरेबिलिटी के केस से संबंधित कौन सा है केस? राम जवाया कपूर स्टेट ऑफ पंजाब, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बताइए 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 जल्दी सेवरेबिलिटी से संबंधित। में से रोशनी खरे नहीं, रोशनी क्या है बेटा? कटारे कटारिया, आज पढ़ा, आज तो नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल सही, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कुछ लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये रमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस है, रमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यह है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है? यह सब आपका पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है।
कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, ये किस केस में कहा गया था? वेरी गुड। इसके देखिए सामान्य प्रश्नों के आंसर में, सामान्य प्रश्नों के आंसर में आप बहराम खुर्शीद ही लगाएंगे, बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक। लेकिन अब चूंकि इस प्रश्न में बहराम खुर्शीद भी है और बसेसर नाथ भी है, तो जब दो ऑप्शन मिल जाए, और ओलेगा तेलिस में भी लगभग ऐसी बात कही गई थी, तो जब भी आप देखिए कि दो ऑप्शन अगर सही हैं, तो आप उपर्युक्त सभी का ऑप्शन अगर मिल जाए तो उसको लगा दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रोबेबल आंसर होता है, क्योंकि बहराम खुर्शीद में भी ये बात कही गई थी और बसेसर नाथ में भी ये बात कही गई थी। लेकिन छोड़ दीजिए, ऐसा कर लीजिएगा, बहराम खुर्शीदी मारिएगा, 90% से ज्यादा चांस है कि आपका बहराम खुर्शीद वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, एकदम निश्चिंत रहिए, बहराम खुर्शीद ऑप्शन में है तो बहराम खुर्शीद ही लगाइए, खत्म बात। बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, क्योंकि ये बात इसमें ये है, रिलेटेड बात होती तो चलिए और बात होती, ठीक है, बहराम खुर्शीद केस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताइए, गुड इवनिंग संगीता, ये देखिए, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंद कहां से लिया गया है? प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी कनाडा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ये कनाडा हो गया ना, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई थी, इसी को हम मान लेते हैं सही हो गया। ये प्रश्न आपका कि संविधान की प्रस्तावना में शब्दावली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रस्थापित किया गया था, कब से किया गया था? बताइए कब से किया गया था? ये सेकुलर सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी शब्द कब जोड़ी गई थी? ये तो क्लियर ही है आप लोगों को, ये है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से ये 1976 से ये शामिल किया गया था। हेमलता पटेल, बहुत बढ़िया, गलत बता के शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का संविधान जो है अलिखित संविधान है कि लिखित संविधान है, कि मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? में से कितने ऑप्शन सही है? क्या दो और एक सही है? दो और तीन सही है? केवल दो सही? केवल एक और तीन सही?
ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, कथन बी और दो और तीन सही है, यानी भारत का संविधान लिखित संविधान है और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर मुख्यतः आधारित है, 250 आर्टिकल यहीं से ले लिए गए थे। और कुछ शरारती बच्चे जो कि अलिखित संविधान में भी मार दे रहे हैं टिक, वो तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब भारत का संविधान लिखित संविधान है इतना तो सबको पता है। ये सवाल का जवाब दीजिए आप, कौन सा कथन क्या है असत्य, कौन सा है इसमें से गलत, कौन सा है? कल से मोस्ट प्रोबेबली कल से हम लोग क्या करेंगे, आईपीसी अगले 3-4 दिनों तक ये आंसर दे लीजिए आप, ये दे लीजिए तो मैं बताता हूं कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है, यही मान लेते हैं। संविधान की उद्देशिका का कोई महत्व नहीं है, ये तो सीधे सीधे एकदम अपमान है इस उद्देशिका का। मैं बता दूं आपको कि कल से शाम को 4:30 बजे से जो आईपीसी के सेलेक्टिव क्वेश्चन जो मेंस में आए हुए हैं पहले, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर पाए 3-4 दिन जो क्लास चलेगी, मान लीजिए 40 प्रश्न अगर हम लोग कर पाए, 40 तो नहीं कर पाएंगे, टॉप 30 प्रश्न जो मेंस में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो उनका आप कैसे आंसर लिखेंगे, क्या क्या बातें लिखेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा ना हम ड्राफ्टिंग भी कर देंगे कंटेंट्स के साथ। तो वो आपका आईपीसी कम से कम 30 प्रश्न अगले 3-4 दिनों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा याद तो नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि याद कराने में फिर 30 प्रश्न नहीं हो पाएगा। हाँ, वाईटी पर ही। नहीं बेटा, प्रियम्बल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है अभी तक। हाँ, उसमें लीडिंग केसेस के साथ, समझ रहे हैं ना, जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें लीडिंग केसेस भी चर्चा करेंगे, जो कल से हम लोग आईपीसी के सेशन की बात कर रहे हैं, लीडिंग केसेस भी चर्चा करेंगे, उसके अलावा रिसेंट केसेस की भी चर्चा करेंगे। अगर उस पर 2021 या 22 में कोई रिसेंट केस आई है, 2020 में रिसेंट केस आई है, तो उसको लेके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आईपीसी बहुत जरूरी है और आईपीसी भागता जा रहा है पीछे। ठीक है, आगे बढ़े। ये है आपका अगला प्रश्न, ये बताइए किसका स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, धीरे धीरे लाते हैं पटरी पर, मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान की आत्मा ही, किसने कहा था? चलिए, तो सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, और किसके संबंध में कहा था, तो आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में इन्होंने कहा था। ये देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय संविधान के 21 में सम्मिलित नहीं है? मृत्यु, जीवन, जीविका, सम्मान, बताइए। अच्छा, जब क्वेश्चन का आंसर इजीली आ रहा होता है तो नेटवर्क वेटवर्क भी बाधा नहीं बनता, नहीं नेटवर्क भी बाधा नहीं बनता। और अगर कंफ्यूजन वाला है तो हम इंतजार करते हैं कि अगला आंसर दे तो हम दें। हाँ सही है, ये मृत्यु का अधिकार उसमें नहीं है। मृत्यु का अधिकार उसमें आर्टिकल 21 में शामिल नहीं है। और ये बात कहाँ कही गई थी? तो ये ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 की केस है जिसमें ये बात कही गई थी। हाँ, और मैं बता दूं एक केस और इसमें रहता है, रथी नाम, पी रथी नाम की केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 की केस थी जिसमें क्या कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि नहीं, जीने में मरना भी शामिल है, जीने में मरना भी शामिल है, पीरति नाम। वेरी गुड। उसके बाद आप लोग जानते हैं 2011 में कौन सी केस आई थी, 2011 में कौन सी केस आई थी जिसमें पैसिव यूथेनेशिया को परमिशन दी गई थी, बताइए केस का नाम बताइए। पैसिव यूथेनेशिया को परमिट किया गया था 2011 में, केस आई थी, उस केस का क्या नाम है? बताइए। हाँ, नर्स वाला ही केस है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, करुणा नहीं है वो, ठीक है सिलेखा, बढ़िया। हाँ, अरुणा रामचंद्र सानबाग है ना। हाँ ना, अरुणा है, अरुणा, करुणा ना निकाल देते। अरुणा रामचंद्र सानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस थी और इसी केस में ये बात कही गई थी कि पैसिव यूथेनेशिया को परमिट किया गया था। फिर उसके बाद 2018 में फिर से केस आई जिसमें कॉमन काज सोसाइटी की केस है 2018 की, और उसमें कहा गया था कि बिल्कुल कोई व्यक्ति लिविंग विल बना सकता है अपनी, कोई व्यक्ति अपनी जिंदा रहते मरने के लिए वसीयत कर सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, ये है आपका प्रश्न कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बालकों या प्रतिपालियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। कहां बताया गया है, कौन से संशोधन से आया है, 42वां, 44वां, 86वां, 92वां? ये 86वें संविधान संशोधन से आया था 2003 में। अब ये जो 86वें संविधान संशोधन से हुआ था इसमें आर्टिकल 21 ए जोड़ दिया गया फंडामेंटल राइट के रूप में, आर्टिकल 45 में भी अमेंडमेंट किया गया जो कि 6 से 14 की बात करता था उसे 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने संबंधित प्रावधान जोड़े गए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि आर्टिकल 51 ए के अंतर्गत एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया गया जो कह दिया गया कि कोई भी जो गार्जियन है या जो माता पिता हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। हाँ, ये एक्ट 2002 का ही है लेकिन लागू हुआ था 3 में।
ठीक है, तो इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे इसके परिणाम से। ये बताइए तो जाने, ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, बताइए बताइए। 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, बता नहीं पा रहे। एक तुक्का नाम का ब्रह्मास्त्र होता है आप लोगों के पास, जिस ब्रह्मास्त्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। सर एक बात बताइए आप कि तुक्का लगाने के लिए भी कुछ तो लॉजिक लगाएंगे आप, बताऊं कैसे तुक्का लगता है, कैसे तुक्का आप लगाएंगे। देखिए इतना तो इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित बातें हैं, है ना ऐसा, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित बातें आर्टिकल 22 में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित ना तो मेनका गांधी है और न ही केशवानंद भारती है और न ही इंदिरा साहनी, आया लाइन पर एके गोपालन के ही केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के आधार पर जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था तो इतना बड़ा बखेड़ा हुआ था, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को लेके इतना ज्यादा जो डिस्कस हुआ था वो इसी में हुआ था ना। तो ऐसे ही ना अंदाजा लगाते हैं कि अंदाजा का मतलब ये थोड़ी है कि आंख बंद किया और जिस पर गिर गया पेन वही हो गया, थोड़ा तो लॉजिक लगाएंगे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से संबंधित यही है तो यही होगा, एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में बंदियों के त्वरित विचारण का अधिकार एवं विधिक सहायता के बारे में कहा है, बताइए कौन सा, त्वरित विचारण यानी शीघ्र विचारण के अधिकार एवं लीगल एड के बारे में कौन से केस में कहा गया था, करतार सिंह, गोपालन, मधुकेश्वर, हुसैन आरा। ये तो बता देंगे, स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट कहा गया था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यही वो केस थी जिसमें कहा गया था कि भैया विचारण को जल्दी कंप्लीट कर लिया करिए, कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसा भी होता है कि सजा 3 साल के लिए है अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो, और बेचारा उस चोरी के लिए पिछले 7 सालों से जेल में क्योंकि ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसलिए ट्रायल जल्दी करिए, तत्काल ट्रायल करिए क्योंकि ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है। क्या अमिता कुछ पूछ रही है क्या आप, आतंकवादियों के मामलों के निर्णय करने में किस प्रक्रिया का अनुसरण करना हो, विधि द्वारा स्थापित कि संविधान द्वारा स्थापित कि ए और बी दोनों द्वारा स्थापित कि उपरोक्त में से कोई नहीं। भाइयों हर जगह ए बी नहीं लगाया जाता, हर जगह ए बी नहीं लगता है, संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां पढ़ा है आपने, कहीं पढ़ा है क्या, बस ए बी देखा और लगा दिया। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे, भाई एक चीज ये होती विधि की सम्यक प्रक्रिया तब बात समझ में आती कि हाँ यार दो लगाएं, एक दो दोनों लगाएं कि एक लगाएं,
जब सीधे सीधे संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो ये तो कहीं शब्द ही नहीं है। शब्द क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यही हो जाएगा फिर। जब भी डाउट में होते हैं आप दो लोगों का घर उजाड़ते हैं, ए और बी दोनों, अब उससे भी नहीं बनता तो ए बी सी डी सब उपर्युक्त सभी लगा देते हैं। ये बताइए केस कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में यह धारित किया गया कि फुटपाथों पर व्यापार करना एक मूल अधिकार है? कौन सी केस में बताया गया तो फुटपाथों पर व्यापार करना एक मूल अधिकार है? सुकुमार मुखर्जी वर्सेस बंगाल, फर्टिलाइजर कारपोरेशन कामगार यूनियन वर्सेस सिंदरी सिंदरी बनाम भारत संघ, पी ए ईमानदार सोदन सिंह। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा सोदन सिंह, क्योंकि बाकी पे मैंने ऑप्शन लगाया डी पे नहीं लगाया था, तो इससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते थे। सोदन सिंह वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब लोग घड़ी बहुत जल्द इशारा कर रही है कि अब आप क्लास छोड़ दीजिए। ये प्रश्न का जवाब दीजिए आप कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साम्या की पारस्परिक अवधारणा को अस्वीकार करके साम्या की नवीन अवधारणा को स्वीकार किया गया था? बताइए, केदारनाथ पश्चिम बंगाल बनाम अनवरली, बालसरा वर्सेस बंबई, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आपकी एंट्री बहुत सही समय से हुई है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आएगा? ये आएगा हाँ, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की केस। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की केस है, 1974 में आया था। एग्जैक्टली यही चीज 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया गया था, इसी के जजमेंट को कॉपी पेस्ट कर लिया गया था। और क्या मामला क्या था इसमें? दो बातें थी। एक तो ये है कि समता एक गतिशील अवधारणा है, उसे एक सीमा में बांध के नहीं रखा जा सकता, एक बात। दूसरी बात कही गई थी कि समता और मनमानापन यानी इक्वलिटी और आर्बिट्रेरीनेस एक दूसरे के शत्रु। जहां आर्बिट्रेरीनेस होगी वहां इक्वलिटी नहीं होगी, और जहां इक्वलिटी होगी वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगा। यही चीज इसमें आई थी। तो ईपी रोयप्पा के केस आपके लिए हो जाएगा। ये बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करने का, शोषण के विरुद्ध समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको बताने की जरूरत है आपको? वेरी गुड। ले अब अन्यो है, हड़ताल करने का अधिकार कोई मूल अधिकार थोड़ी है। प्रदर्शन और धरना का अधिकार आपने पढ़ा होगा, प्रदर्शन एवं धरना ये मूल अधिकार है हमारा। डेमोस्ट्रेशन एवं पिकेटिंग इसको कहते हैं, है, लेकिन स्ट्राइक यानी हड़ताल करने का अधिकार नहीं। चलिए इसी पर एक सवाल और पूछ देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं, वो किस केस में कहा गया था? सरकारी कर्मचारी को हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं। ऑप्शन नहीं देते हैं, मैं बता देता हूं कि वो है केस
टीके रंगराजन, टीके रंगराजन की केस है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ बेटा तुम रेज हैंड कर लो, तुम करो रेज हैंड। ये बता दीजिए तो इसी के साथ हम लोग सेशन को खत्म कर दें। गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सारांश रूप से आदर्श व प्रेरणा लिए हुए है। कौन से अरे जज ने कही थी, मैथ्यू ने, अय्यर ने, सुब्बाराव खन्ना। चलिए ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, जस्टिस सुब्बाराव ने कही थी। किस केस में कही थी ये भी बता दीजिए आप, किस केस में कहा गया था, कौन से केस में कहा गया था। वेरी गुड, गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, यही कहा गया था। इस केस इतनी बहादुरी भरी केस है कि उससे पहले जो चाटुकारिता कर रहे थे लोग, मतलब ये कि सरकार के निर्णयों के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी, इस केस में सरकार के अगेंस्ट निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, तो यही आज का क्वेश्चन हम लोग लास्ट कर देते हैं। मैं फिर से, अगर कोई नया बच्चा है तो मैं बता दूं कि कल से हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे, कल से हम लोग क्या करेंगे, आईपीसी सब्जेक्ट से, कल से मान के चलिए 3 दिन कम से कम, आईपीसी सब्जेक्ट से 3 अथवा 4 दिन भी हो सकता है, आईपीसी सब्जेक्ट से कुल 30 प्रश्न इन 4 दिनों में हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, और ये 30 प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जुडिशियरी या एपीओ के एग्जाम में आए होंगे, तो वही प्रश्न हम लोग करेंगे। उस सेशन को अटेंड करिएगा और बढ़िया से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में और कर लीजिए, ये एक आसान सा प्रश्न करके भाग जाइए आप। कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। थैंक यू बोलने से पहले एक और जवाब, सवाल का जवाब। हाँ बिल्कुल वही काम करेंगे, आंसर फॉर्मेट बताएंगे। अब पूरी चीजें हम लिख लिख के तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आंसर का फॉर्मेट बता देंगे कि कैसे आंसर लिखना है। मूड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन है, मूड फ्रेश करने वाला क्वेश्चन है ना, जैसे आप लोग गोलगप्पे खाते हैं तो लास्ट में एक ठो पपड़ी लेके खाते हैं, कुछ ऐसा ही बना के मीठा वाला खिला दीजिए मूड बनाने के लिए, तो मैंने सोचा एक ठो मूड बना लें आपका। ये है बेरुबारी यूनियन 1960, इन री बेरुबारी यूनियन इसलिए कहेंगे, कहा जाता है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी और राष्ट्रपति ने इस पर सलाह ली थी। बात ही अलग है ना, तो इसकी भी बात अलग है। ठीक ठीक है फिर,
राधे 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 राधे, बाय बाय।